पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने अवैध हथियार रखने वाले आरोपी एवं अवैध हथियार का स्रोत पता कर संबंधित अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हेतु समस्त थानों को निर्देशित किया है। इसी क्रम में सिटी कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार के तस्कर सहित 4 आरोपियों को पिस्टल, देशी तमंचा एवं जिंदा कारतूस सहित पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने खुलासा करते हुए बताया कि थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी संकट मोचन के पास अजीज मोहम्मद काफी दिनों से अवैध हथियार खरीदकर क्षेत्र में उनका विक्रय कर रहा है। सूचना की तस्दीक करने पर मुख्य आरोपी अजीज अहमद को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने छतरपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में कई व्यक्तियों को खरगोन से अवैध हथियार लाकर उनका विक्रय करने की बात बताई। पुलिस ने हथियार खरीदने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली की टीम ने एक आज अच्छी कार्रवाई की है। इसमें अंतर्राज्यीय अवैध हथियारों का एक तस्कर है अजीज मोहम्मद करके, उसको अरेस्ट किया है। इसमें ये बात सामने आई है कि ये व्यक्ति मुख्य रूप से खरगोन से या फिर अन्य जगहों से भी हथियार लेकर के उत्तर प्रदेश और छतरपुर में भी कई जगह पर बेचता था। छतरपुर में जहाँ पर इसने बेचा है वहाँ पर भी हमने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। उनके पास से भी पिस्टल और देसी तमंचा जो कट्टा है वो बरामद हुआ है। छतरपुर में एक अन्य मामले में ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ हिंदुवादी संगठन सड़क पर उतर गए। हिंदुवादी संगठनों ने एसपी को ज्ञापन सौंप कर जांच की मांग की है। छतरपुर में भी जुआ संबंधी अपराध पंजीबद्ध हुआ है। एक और जो आरोपी है नीरज, उसके विरुद्ध भी गढ़ी मलेरा में अपराध पंजीबद्ध है। साथ ही भागचंद कुशवाहा और रामकरण बसोर, ये भी इसमें आरोपी पाए गए हैं। तो इस प्रकार से 4 आरोपियों से 4 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं और कोतवाली की टीम ने जो कार्रवाई की है सराहनीय है और उनको उचित अवार्ड दिया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।